नमस्कार, मैं फ्रांसी मिश्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे खास गेस्टिंग शो में। आज हमारे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट जुड़े हुए जिनका डिजिटल मार्केटिंग में एक अच्छा खासा नाम है। सो प्लीज वेलकम शिशांत महातो सर। सो फर्स्टली थैंक यू सो मच सर, आप यहाँ पर आए, आपने इतना प्रीशियस टाइम अपना निकाल के दिया। सो थैंक यू सो मच फ्रांसी मैम, एंड बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं यहाँ पे आ सकता हूँ और आपके इस गेस्ट शो में जो आपने मुझे बुलाया है इसकी और शोभा बढ़ा सकता हूँ। थैंक यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सर, आप अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए ताकि जो हमारे दर्शक हैं वो आपके साथ जुड़ सके और आपके बारे में थोड़ा बहुत जान सके। मेरा नाम शिशांत रामकृष्ण महातो है। आई एम अ प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर सिंस 2016। आई हैव ट्रेन मोर देन 10,000 प्लस स्टूडेंट, 10,000 स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा चुका हूँ नेशनली प्लस इंटरनेशनली। इस 7 ईयर्स के जर्नी में मैंने बहुत सारे ट्रेनिंग एजुकेशन सोसाइटी के साथ मिलके जापान, आयरलैंड, इजराइल, मींस दुनिया के हर एक कोने में आप कह सकते हैं वहां पे ट्रेनिंग दी है, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में अवेयरनेस फैलाई है। मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ भी काम कर चुका हूँ और खुद की एक प्रोप्राइटरशिप कंपनी भी चलाता हूँ। एंड आई हैव डन माई डिप्लोमा इन आईटी, इंजीनियरिंग इन आईटी, एमबीए इन आईटी प्लस मार्केटिंग। जब मैं अपने एमबीए में था तब मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, दैट इज इनसाइड डिजिटल मार्केटिंग, how digital marketing is affecting today's digital world and business owners. तो तब मुझे एहसास हुआ कि digital marketing के अंदर एक बहुत अच्छी ताकत है और जिससे जुड़ के मैं लोगों की भलाई कर सकता हूँ। फिर मैंने एक साल का प्रिपरेशन किया, उसके बाद अच्छा नॉलेज जब हो गया तब मैंने 2016 से इस जर्नी को स्टार्ट किया डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाने को। बाकी आप सारी डिटेल मेरे बारे में सर्च कर सकते हैं गूगल में, जस्ट टाइप माई नेम शिशांत महातो और आपको सारी डिटेल गूगल में मिल जाएंगी। थैंक यू सर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जब आप डिजिटल मार्केटिंग इस फील्ड में आप आए थे तो उस दौरान कौन कौन से ऑब्स्टेकल्स, कौन कौन से चैलेंज आपके सामने आए थे और आपने उन्हें कैसे हैंडल किया था? इसका आंसर थोड़ा सा आप बोल सकते हैं स्ट्रगलिंग और क्रिटिकल, और बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आए थे, बट ऑब्वियसली क्योंकि जब आप एक ऐसे जर्नी में जुड़ते हैं जहाँ पे आपका फोकस जो है एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर होता है, सो एंटरप्रेन्योरशिप के जो भी ऑब्स्टेकल आते हैं, जैसे फंडिंग का सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल आता है और बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आते हैं, बट डिजिटल मार्केटिंग को अगर मैं देखूं तो डिजिटल मार्केटिंग को पढ़ना, कहाँ से पढ़ना, ये सबसे बड़ा पहला ऑब्स्टेकल था। क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग वैसे तो तब मीन्स 2015-2014 के दरमियान बहुत ज्यादा फेमस हो चुका था, बहुत कम लोग इसके बारे में जानते थे जो टेक्निकल वर्ल्ड से बिलोंग करते हैं। सो बहुत ज्यादा इसके बारे में अवेयरनेस थी, लेकिन हर कोई मिमिक कर रहा था कि डिजिटल मार्केटिंग ऐसा है ऐसा है, पर्टिकुलर गुरु को ढूंढना बहुत मुश्किल था। और मेरे गुरु जिनको मैंने ढूंढा ऑनलाइन वर्ल्ड में, उनका नाम है, बहुत सौभाग्यशाली हूँ मैं कि उनको मैं ढूंढ पाया और उन्होंने मुझे ढूंढा। मेरे गुरु का नाम है वीरल जाधव सर, आप अगर ये देख रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे डिजिटल मार्केटिंग की शिक्षा दी, और उनके वजह से ही मैं आज इतना जो प्रिपेयर हो पाया हूँ डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, उनके वजह से ही हो पाया हूँ। प्लस और भी बहुत सारी चीजें थी, जैसे खुद से सेल्फ लर्निंग किया गूगल के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, डिफरेंट डिफरेंट इंटर्नशिप किया मैंने, तब जाके मुझे डिजिटल मार्केटिंग का एक अच्छा नॉलेज आया। और फिर मेरी एजेंसी शुरू करनी थी, एजेंसी इसलिए शुरू करनी थी क्योंकि अगर किसी को पढ़ाना है और मैं फ्रीलांसर जैसे अगर पढ़ा रहा हूँ तो होता यह है कि आप पे कोई बिलीव नहीं करता है कि आप पढ़ा पाओगे या नहीं पढ़ा पाओगे। जैसे मैं एक बार एमबीए के कॉलेज में गया था, मतलब अभी जितना हेल्दी दिख रहा उतना नहीं था, थोड़ा और दुबला पतला सा था। सो एक बार एमबीए कॉलेज में था मैं, 100 लोगों को मैं पहली बार पढ़ा रहा था, तो वहां पे एक स्टूडेंट खड़े होके मुझे बोलने लगी कि आप पढ़ाने वाले हो? और मैंने कहा हाँ मैं पढ़ाने वाला बेटा। तो जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो उनको अच्छा लगा, फिर वो जर्नी शुरू हुई। सो बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आते हैं, पहले तो पढ़ना, ये पहला ऑब्स्टेकल्स है, गुरु को ढूंढना, फिर उसके बाद खुद को ये प्रिपेयर करवाना कि आपको पता है डिजिटल मार्केटिंग, फिर उसके बाद सर्विस देना। सो यहाँ पे बहुत सारे चीजें हैं, और स्टार्टिंग के दौर में मैं तो यही बोलूंगा जो भी डिजिटल मार्केटिंग में अपना करियर बनाना चाहता है, सबसे पहले अपने मेंटर को ढूंढ लो। अगर आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा टाइम लग रहा है, टाइम लो, क्योंकि ऑनलाइन वर्ल्ड में अभी तो बहुत ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहा है मार्केट। ऑनलाइन वर्ल्ड में बहुत सारे लोग आपको ये बोलेंगे कि मैं आपको ये पढ़ा सकता हूँ, वो पढ़ा सकता हूँ, लेकिन जब क्वेश्चन आंसरिंग की बारी आती है, जब गाइडेंस की बारी आती है, जब मेंटरशिप की बारी आती है, तब वहां पे आपको डिफिकल्टी आती है। अगर आप फोन करके पूछ रहे हो कि सर मुझे ये प्रॉब्लम आया है,
तो वो मेंटर आपको सही तरीके से गाइड करना चाहिए। आज के दौर में क्या हो गया है कि सब लोग पैसे कमाने के होड़ पे लगे हुए हैं, आप एक सिर्फ नंबर होने के लिए। आज वो गुरु और शिष्य का जो रिलेशन है वो थोड़ा सा कम हो गया है, लेकिन फिर भी ऐसे कोई मेंटर है, बहुत सारे मेंटर्स हैं जो आपकी सहायता करते हैं। तो आप जर्नी को स्टार्ट कीजिए। डिजिटल मार्केटिंग एवरग्रीन इंडस्ट्री है, यहाँ पे बहुत सारे अपडेशन आ रहे हैं, इट्स अ डायनामिक इंडस्ट्री, दैट्स व्हाई आई गेट अट्रैक्टेड टू डिजिटल मार्केटिंग। सर, आपके पास इतने सालों का एक्सपीरियंस है, तो मेरा ये क्वेश्चन है कि एक पर्सन के अंदर जो डिजिटल मार्केटिंग में एंट्री करना चाहता है, तो उसके अंदर कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए जिससे एक अच्छा डिजिटल मार्केटर बन सकता है? डिजिटल मार्केटर को अगर आप देखोगे तो देखो, इसका बेस जो है वो मार्केटिंग है। मार्केटिंग, अभी एक और चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, जिंदगी में अगर आपको अमीर बनना है तो आप दो तरीके से अमीर बन सकते हैं, एक तो आप कुछ बनाओ और बेचो, दूसरा बेचो। सो जैसे बिल गेट्स ने कुछ बनाया, जैसे माइक्रोसॉफ्ट बनाया और बेचना शुरू किया, और वहीं पे एक बंदा आया जिनका नाम जेफ बेजोस है, जो अमेजोन के ओनर है। सो उन्होंने बेचना शुरू किया, यहाँ का माल वहां, यहाँ का माल वहां, बेचना शुरू किया। तो मार्केटिंग इज कोर। मार्केटिंग जो है, आप बोलोगे कि सीखना पड़ेगा या बहुत कुछ चीजें करनी पड़ेंगी, तो ऐसा नहीं है। हम कोर में ही मार्केटिंग हम जानते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि एक छोटा बच्चा जब रोता है तो देखो वो क्या कर रहा है, वो अट्रैक्शन गेन कर रहा है कि मुझे देखो, मुझे देखो, वो ब्रांड कर रहा है अपने आप को कि हाँ मुझे देखो। तो हम जीन से ही, हमारे जीन्स में है मार्केटिंग। सो हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि हमें मार्केटिंग, मतलब मार्केटिंग की परिभाषा को समझना होगा। मार्केटिंग सबको आता है। मीन्स अगर आपको किसी ने पूछा कि अच्छी चाय कहाँ मिलती है, तो आप बता दोगे अरे वहां मिलती है। जैसे अभी हम इडली खाने गए थे फॉर एग्जाम्पल, सो इडली कहाँ मिलती है, तो इडली वहां मिलती है। सो मार्केटिंग हो गया। सो मार्केटिंग आपको आता है, पहली चीज कवर हो गई, पहले से ही आपका आता है। इंटरनेट को थोड़ा बहुत समझना है, और हमारा जो अभी एज शुरू है वो इंटरनेट एज शुरू है, इंटरनेट सभी को आता है। अब यहाँ पे एक और चीज अगर आप डाल देते हैं, वो है क्रिएटिविटी, कि किस तरीके से हम इन पूरे टूल्स को यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैं हर लेक्चर में एक टूल लेके जाता हूँ, यहाँ पे भी मैं लेके आया हूँ। सो दिस इज डिजिटल मार्केटिंग। मार्केटिंग इज नथिंग बट अ टूल। मान के चलो मैं इस टूल को इस तरीके से इस्तेमाल कर रहा हूँ, इस तरीके से, सो ये रॉन्ग है, तो मुझे इसे इस तरीके से इस्तेमाल करना होगा। गेटिंग माय पॉइंट? सो टूल का एक्सेस सभी के पास है, इंटरनेट का एक्सेस सभी के पास है, हमें उसे किस तरीके से यूज करना है, यहाँ पे थोड़ा आता है। तो क्रिएटिविटी, मार्केटिंग, इंटरनेट, और आपकी इच्छा इच्छा शक्ति होनी चाहिए। बाकी तो इतना सारा इंफॉर्मेशन है इंटरनेट के वर्ल्ड में कि आप पढ़ते पढ़ते बूढ़े हो जाओगे, इतना सारा इंफॉर्मेशन है। सो टूल्स है, हमें सिर्फ उन्हें अच्छी तरीके से समझना है। आपको एक मेंटरशिप की जरूरत होती है, आपकी खुद की तहे दिल से इच्छा होनी चाहिए कि हाँ मुझे ये करना है, इसमें फ्यूचर बनाना है, इसमें करियर बनाना है, और फिर स्टार्ट हो जाइए, है ना। वो एक इसमें मोटिवेशनल कोट है, मैं आपको बताता हूँ। मंजिल तो मिल ही जाएंगी, मंजिल तो मिल ही जाएंगी, भटक कर ही सही, गुमराह तो वो थे जो घर से निकले ही नहीं। सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें कंटिन्यूअसली चेंज आते रहते हैं, चेंजेबल बहुत ज्यादा है, तो वो हाल फिलहाल में डिजिटल मार्केटिंग में कौन से बदलाव हुए हैं? बहुत सारे बदलाव हुए हैं, जैसे आफ्टर कोविड, कोविड के बाद इतना ट्रिमेंडस चेंज आया है कि मैं आपको मतलब शब्दों में जाहिर नहीं कर पाऊंगा। पहले क्या होता था, जैसे जब मैंने 2016-17-18 में, मतलब 18-19 तक का मैंने काफी, मतलब अभी तक तो बहुत सारे चेंजेस देख लिए हैं, पर तब के दौरान क्या था कि डिजिटल मार्केटिंग जब हम बोलते थे तो लोगों को ऐसा लगता था कि यार ये कुछ नई चीज है और सीखनी चाहिए ताकि बिजनेस को आगे बढ़ा सके। टीयर वन जो सिटीज है उनके अंदर बहुत सारी इच्छा होती थी कि हाँ हमें सीखना है। टीयर टू में उतना नहीं था, टीयर थ्री में भी उतना नहीं था कि कर लेंगे, देख लेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अभी एक अमरावती में एक सेशन में गया था, मैं ट्रेन में था और ट्रेन के सामने वाले हिस्से में मतलब एक बंदा बैठा था, उसने मुझे पूछा कि मतलब हम ऐसा कॉन्वर्सेशन कर रहे थे, मैंने उनसे पूछा आप क्या करते हैं, तो वो तबला वादक थे, उन्होंने मुझसे पूछा कि आप क्या करते हो। सो मैंने कहा कि मैं फेसबुक पढ़ाता हूँ, तो उन्होंने ऐसे क्वेश्चन वाला आंसर, मतलब क्वेश्चन पूछा कि फेसबुक भी कोई पढ़ने की चीज है जी। तो मैंने उनको एक जवाब दिया कि फेसबुक में चार टाइप होते हैं, आपको पता है, पर्सनल अकाउंट, बिजनेस अकाउंट, देन एड मैनेजर, देन बिजनेस मैनेजर।
तो वो देखने लगे, क्योंकि कभी कभी होता है उनको नॉलेज नहीं था। लेकिन अभी क्या हो गया, कोविड के बाद में यूट्यूब में इतने सारे लोग आ गए कि ये होता है, वो होता है, वो होता है, सब लोग बताना शुरू कर दिए। अब इसमें से बड़े बड़े लोग जो थे वो भी आ गए, छोटे छोटे लोग थे वो भी आ गए। तो हुआ क्या है, जिसको अच्छे से पढ़ाना आता है वो भी बता रहा है, जिसको अच्छे से नहीं पढ़ाना आता है वो भी पढ़ा रहा है। तो क्या होता है कि इसमें कंफ्यूजन स्टेट बढ़ जाता है आगे वाले का कि कौन सही पढ़ा रहा है। अब जब आप मैं आपको कन्विंस नहीं कर सकता हूं तो मैं आपको डिस्ट्रैक्ट कर दूंगा। आप समझ रहे हैं, यूट्यूब में ऐसा होता है। चेंजेस बहुत सारे आए हैं, ये एक ऐसा समझ लीजिए, ये एक बहुत अच्छी चीज है। एक मशीन गन है फॉर एग्जांपल, मैं अच्छे से यूज करूंगा तो अच्छा यूज होगा, नहीं तो हम डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। सो फिर से सवाल पे आते हैं कि बहुत सारे चेंजेस हुए, क्या चेंजेस हुए? तो AI आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है। लेकिन AI का वर्डिंग तो पहले भी हो गया था, 1969 से AI का बारे में बात चालू थी। तो अभी क्या शुरू है, तो अभी जनरेटिव AI शुरू है। जनरेटिव AI, फिर नया नाम आप बोल सकते हैं डिस्क्रिप्टिव AI। अब जनरेटिव AI और डिस्क्रिप्टिव AI के बीच में फर्क क्या है वो आप सर्च कर लीजिए। तो बहुत सारी चीज है, बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। ऐसा समझिए कि पहले कोविड के पहले अगर आपको वेबसाइट बनाई नहीं रहती थी तो 3 दिन लग जाते थे, होस्टिंग खरीदो, डोमेन खरीदो, फिर वो खरीदो। अब AI आपको 1 दिन में बना के दे देगा। सो ऐसे बहुत सारे चेंजेस आए हैं। जैसे अभी आप और हम ऐसे ऐसे बैठे हैं, ठीक है, हमारी वॉइस रिकॉर्ड हो रही है, वीडियो एडिट होगा। सो ये जो चीज थी ये और फास्ट होने वाली है। किसी किसी का वॉइस जो है, आप अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैं कल एक वीडियो देख रहा था, अरिजीत सिंह ने कल होना हो नहीं गाया है, वो तो सोनू निगम ने गाया है जी। लेकिन कल होना हो जो गाना है मैं अरिजीत सिंह के वॉइस में रिकॉर्ड करके प्ले कर सकता हूँ। ये किस कैसे पॉसिबल हुआ? सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो अभी जो वर्ल्ड आ रहा है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, AI का है, और आने वाले वक्त में बहुत ज्यादा इसमें बदलाव आने वाले हैं। मेटावर्स आने वाला है, मेटावर्स में तो आज ही चुका है लेकिन उसमें अपडेशन शुरू है। तो ऐसा समझिए आने वाली दुनिया बहुत ज्यादा आगे बढ़ने वाली है। अभी इस पूरे पृथ्वी में 8 बिलियन की तादाद है, उसमें से सिर्फ 60-70 पीपल ही इंटरनेट में है। आने वाले वक्त में ये 90 हो जाएंगे, हो सकता है 100 भी हो जाए। सो बदलाव तो बहुत सारे आ रहे हैं, बस हमें अपग्रेड रहना बहुत जरूरी है। अगर आप अपग्रेडेड है मीन्स अपस्किल आपको करते रहना पड़ता है, हमें भी सीखते रहना पड़ता है। कोई नया चेंज आ गया तो सीखते रहना पड़ता है। सो बदलाव तो बहुत सारे आएगा। सर कुछ क्वेश्चंस हैं जो मेरे सेल से रिलेटेड है, उसमें से एक क्वेश्चन ये है कि समझ लीजिए हमारे पास कोई प्रोडक्ट या सर्विस है, तो हम कैसे डिसाइड करें कि उस प्रोडक्ट या सर्विस के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म अच्छा रहेगा? लाइक सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है एंड गूगल एडवर्ड्स से, तो हम कैसे डिसाइड करें कि उस प्रोडक्ट के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म अच्छा रहेगा? अब प्रोडक्ट का पहले आपको मुझे एक ये बताना पड़ेगा ना कौन सा प्रोडक्ट है, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे प्रोडक्ट है। आप कोई प्रोडक्ट एग्जाम्पल दीजिए, अभी बता देता हूँ। कोई भी प्रोडक्ट दीजिए, बॉटल निकाल लेते हैं, बॉटल बॉटल है। हाँ। कितने का प्राइस होगा इसका? मैक्सिमम 10 का ही होगा। 10 रुपए का है ना। तो सबसे पहले हमें अपने प्रोडक्ट का एनालिसिस करना होगा, इसका प्राइस क्या है। तो सबसे मेन फाउंडेशन जो है वो है मार्केटिंग, सेल्स एंड 4 P's। तो 4 P's को डिफाइन करना होगा। 4 P's से फिर हमारा बनेगा कस्टमर सेगमेंटेशन। तो 4 P's में जैसे 4 P's आते हैं, उसका मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ। 4 P's यानी प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। तो प्रोडक्ट आपके पास है, दैट इज वाटर बॉटल। प्रोडक्ट प्राइस, प्राइस क्या है? 10 रुपए है। प्रोडक्ट प्राइस, प्लेस, अभी कहाँ बेचेंगे? ऑनलाइन बेचोगे या ऑफलाइन बेचोगे? ऑफलाइन, दोनों में हम बेच सकते हैं। कोई भी बोलो ना, कोई भी बोलो। ऑफलाइन, ऑफलाइन बेचेंगे। तो प्रोडक्ट प्राइस, प्राइस हो गया इसका 10 रुपए, प्रोडक्ट ये है, प्लेस हो गया, प्रमोशन। प्रमोशन कैसे करोगे? तो इसका कॉस्टिंग 10 रुपए है। अब 10 रुपए है तो 10 रुपए का खरीदने वाला ऑडियंस कौन सा होगा? सो दैट इज टारगेट ऑडियंस। अब टारगेट ऑडियंस को डिफाइन करना है। अब हमें हमारा 4 P's अवेलेबल हो गया, हमें 4 P's पता चल गया, लिख लो इसको। अब इसके ऊपर हम एक ट्रायंगल शेप में मीन्स पहले अब्राहम मैस्लो ने एक हायरार्की दी थी, दैट इज नीड हायरार्की, ह्यूमन नीड, साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन, उसमें उन्होंने दिया था। एक बार आप सर्च कर लेना, मैस्लो हायरार्की है, मैस्लो हायरार्की लॉ।
तो उसमें बताए थे कि ह्यूमन के नीड्स होते हैं। अब उसी को रेफर करते हुए कस्टमर सेगमेंटेशन बना था। तो तीन तरीके के कस्टमर्स होते हैं, एक होता है हाई लेवल, देन मिड लेवल, देन लो लेवल। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं टमाटर बेच रहा हूँ, मैं ठेले में बेच रहा हूँ टमाटर, मैं बोलूंगा 20 रुपए किलो टमाटर बेच ले लो, 20 रुपए किलो टमाटर ले लो, तो सबसे ज्यादा कौन अट्रैक्ट होगा? ऑब्वियसली लो लेवल। लो लेवल 20 रुपए, लो लेवल। अब मैं टमाटर का प्राइस 40 रुपए कर देता हूँ, लो लेवल वाले तो नहीं लेंगे, तो मुझे क्या करना होगा? मुझे क्या करना होगा? 4 पीस को भी एनहांस करना होगा। तो ये 10 रुपए का है तो ये लो लेवल के मार्केट में चला जाएगा, और 10 रुपए बहुत कॉम्पिटिटिव प्राइस है, तो 10 रुपए का मैं प्राइस एड में लिख सकता हूँ। लेकिन वही इसका प्राइस अगर मैं 100 रुपए कर दू तो हाई लेवल, तो उसके लिए मुझे इसका प्राइस छुपाना होगा और इसकी क्वालिटीज को दिखाना होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब टमाटर 20 रुपए केजी, 20 रुपए ले लो, 20 रुपए ले लो, तो लो लेवल को हो जाएगा, तो ये लो लेवल के लिए ठीक है। बट वहीं पे टमाटर क्या रिलायंस नहीं बेचता है? मतलब दूसरे दूसरे मॉल में नहीं बिकता है? बिकता है ना, तो वो 40 रुपए में बिकता है ना, तो वहां पे लोग क्वालिटी देखते हैं, मिड लेवल। अब मैं और एक चीज बोलूंगा कि मैं टमाटर का भाव 60 रुपए पर केजी कर दू तो तब मैं क्या बोलूंगा? तब पिचिंग अलग हो जाएंगी, दैट इज आई एम सेलिंग ऑर्गेनिक हेल्दी ईटिंग टोमेटो। सो जब मैं ऑर्गेनिक को पिच कर रहा हूँ तो ऐसे भी प्रोडक्ट है जो करोड़ों रुपए में बिकते हैं, क्या ऐसे फ्लैट्स नहीं है जो करोड़ों रुपए में बिकते हैं? ऐसे फ्लैट है जो लाखों रुपए में बिकते हैं। तो हमें ये देखना होगा कि जैसे ये प्रोडक्ट है तो पहले तो 4 पीस इसका डिफाइन करो, 4 पीस क्या है, फिर ये डिफाइन करो कि आपका टारगेट ऑडियंस क्या है, वो टारगेट ऑडियंस किस जगह पे मौजूद है, वहां पे जाके आपको सेल करना होगा। अगर वो ऑडियंस वेबसाइट नहीं देखता है तो वेबसाइट बनाओ, चमक क्यों बनाना है वेबसाइट? व्हाट्सएप पे बेचो, फेसबुक पे बेचो, टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, वहां बेचो, क्यों वेबसाइट पे खर्चा करना? तो यहाँ पे बजट का भी इशू आ जाता है, जो आपका नेक्स्ट सवाल होगा ही। सो यहाँ पे प्रोडक्ट, किसी को भी प्रोडक्ट को बेचना है तो सबसे पहले आपको सेल्फ एनालिसिस करना होगा, फिर मार्केट एनालिसिस करना होगा, फिर एक चीज और कर सकते हैं आप एड ऑन, जो मेरे एक्सपीरियंस में आपको बता रहा हूँ। आपने एनालिसिस कर दिया लेकिन वो क्या है, अजम्पशन है कि होगा जी, लेकिन आपको जाना पड़ेगा ना पहले मार्केट में, डेमो लेके जाना पड़ेगा। जैसे नैनो डेमो लेके आया था पहले कि डेमो लो, और इसके बाद अगर पसंद आया तो हम और मार्जिन में इसको बनाएंगे और बेचेंगे। तो इसके बाद फिर आपको डेमो लेना होगा, डेमो देके फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। गुड, समझे? एक और सेल का क्वेश्चन था कि आजकल ऑनलाइन कोर्सेज, मतलब अगर मुझे बेचना है, बट इसमें बहुत ज्यादा कंपटीशन आजकल आ गया है, कई लोग ऑनलाइन कोर्स बनाते हैं, तो हम कैसे ऑडियंस के साथ ट्रस्ट फैक्टर उनके मतलब लाए और कैसे ज्यादा से ज्यादा अपने ऑनलाइन कोर्स को बेचे? मैडम ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन जो है ना, मुझे अगस्त में एक सर थे, मैं आपको अपना एग्जाम्पल बताता हूँ इसी क्वेश्चन के अंदर है। सो हुआ ये था कि अगस्त के पहले, मीन्स पिछले साल अगस्त के अगस्त में ही, मतलब किसी ने, मेरे फ्रेंड ही थे, उन्होंने मुझे कहा कि सर, मीन्स हमें थर्ड पार्टी से ट्रेनिंग मिलती है वैसे, सो थर्ड पार्टी थे वो, तो उन्होंने बोला कि सर हमारे जो स्टूडेंट है वो बोल रहे हैं कि आपके तो फॉलोअर्स ही नहीं है। मेरे इंस्टाग्राम में फॉलोअर 2 से 3 हजार थे, क्योंकि मैं ज्यादा बिजी रहता था, हम ट्रेडिशनल ट्रेनिंग करते थे और ये ट्रेनिंग करते थे, हमने हमारे क्लाइंट्स की अच्छे अच्छे फॉलोअर्स बढ़ा के दिए हैं, बट होता क्या है कि हम खुद अपने सोशल मीडिया में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं रहते थे। तो उससे हुआ क्या कि आगे वालों को मैसेज ये गया, अरे इसके खुद ही फॉलोअर नहीं है, ये क्या हमें पढ़ाएगा, ऐसा क्वेश्चन मन में आता है। तब मेरा फोकस वहां पे नहीं गया था। अगस्त के बाद मैंने रिसर्च करना शुरू किया, ये ऐसा कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है, तो मैंने देखा कि डिजिटल मार्केटिंग जैसे कोर्स बता रहे हैं आप। अब होता क्या है मैम कि अगर आप कोर्स बेच रहे हैं तो सबसे पहले आपका कोर्स किस टॉपिक पे है वो डिफाइन करो, फिर उसके बाद आपके सोशल मीडिया में, क्योंकि ज्यादातर लोग सोशल मीडिया में अवेलेबल है, मान के चलते हैं इंस्टाग्राम में, अगर आपके, जैसे मैंने अभी, मैं आपको बताना चाहूंगा, नवंबर या दिसंबर में ही 10,000 फॉलोअर क्रॉस कर दिया। हाँ, और उसके ऊपर ईबुक भी लिखा हो, अगर आपको चाहिए आप मेरे इंस्टाग्राम के अकाउंट में जाइए, सुशांत महतो, सेकेंड पिन में आपको बस आपको कमेंट करना है 10K, ऑटोमेटिकली आपको वो ईबुक मिल जाएगी। वो ऑटोमेशन मैंने किया, वो मेरा काम ही है डिजिटल मार्केटिंग का, इसीलिए। तो आपको ईबुक मिल जाएंगी, जो भी ये शो देख रहे हो, जस्ट गो टू सुशांत महतो,
आप सर्च कीजिए SHISHANTMAHETO, वहां पे आपको ई बुक फ्री में मिल जाएगी। बस आपको कमेंट करना है 10K, ठीक है, ध्यान दीजिए आप सभी। बस प्रमोशन थोड़ा सा किया। तो बात करते वापस उस पॉइंट की, तो कैसे हम कोर्स को बेचें। कोर्स को बेचना अगर आप देख रहे हैं तो वैसा मत कीजिए। आप ये सोचिए कि आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। जैसे मैं पहले डिजिटल मार्केटिंग बहुत बोलता था, उसके बाद मैंने स्ट्रेटेजी चेंज कर दिया। अब मैं लीड जनरेशन के बारे में ज्यादा बात करता हूँ, क्योंकि तीन पिलर होते हैं डिजिटल मार्केटिंग में या मार्केटिंग में, ब्रांड अवेयरनेस, लीड जनरेशन एंड सेल्स। तो मैंने लीड जनरेशन के ऊपर ज्यादा फोकस किया, क्योंकि मैं पहले भी 2016-17 में लीड जनरेशन के ऊपर काम करते रहता था। एक और चीज है, अगर आप गूगल में जाएंगे एडवांस्ड फेसबुक मार्केटिंग, कहीं से भी, पूरे वर्ल्ड में कहीं से भी अगर आप सर्च करते हैं एडवांस्ड फेसबुक मार्केटिंग वीडियो सर्च में, मेरा वीडियो पूरे वर्ल्ड में टॉप रैंक में आता है, कभी पहले कभी दूसरे कभी तीसरे। 2017 में मैंने लीड जनरेशन का ट्रेनिंग बनाया था, तो मैं इंटरनल एनालिसिस किया कि किस तरीके से मैं लोगों तक रीच कर सकता हूँ, किस तरीके से मैं प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ। तो मैंने समझा कि लोगों को लीड जनरेशन में बहुत प्रॉब्लम आता है, तो मैंने लीड जनरेशन के ऊपर पहले तो अपने वीडियोस अच्छे से बनाए, क्योंकि पहले क्या करता था मैं कुछ भी रैंडम पोस्ट कर देता था, लेकिन अब मैं स्ट्रेटेजिकली वही पोस्ट करता हूँ जिसके बारे में लोग सर्च कर रहे हैं, और उसी का मैंने ट्रेनिंग बना दिया। तो होता क्या है, जैसे आप मेरा लीड जनरेशन का ऑनलाइन वीडियोस देख रहे हैं, आपको पसंद आया तो आप मेरा कोर्स फिर बाय कर लीजिए, जो कि अगर आप वीडियो देख रहे होंगे यहाँ पे तो मैं आपको डिस्काउंट भी दे दूंगा। सो जब आप कोर्स बेचने जा रहे हैं, किसी भी चीज को बेचने जा रहे हैं, जैसे मैंने कहा पहले तो सेल्फ एनालिसिस, फिर उसके बाद मार्केट एनालिसिस, मार्केट में डिमांड क्या है, और डिमांड को देखते हुए उसी को बेचो। जैसे आज बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ व्हाट्सएप मार्केटिंग चल रहे हैं, सिर्फ टेलीग्राम मार्केटिंग, सिर्फ लिंक्डइन मार्केटिंग। आज हमारे इंडस्ट्री में कैसे पूरा डिजिटल मार्केटिंग का ट्रेनिंग जो ऑनलाइन वर्ल्ड में जो पढ़ा रहे हैं वो पूरा नहीं पढ़ा रहे, वो पार्ट पार्ट में पढ़ा रहे हैं। जैसे कोई पढ़ा रहा है इंस्टाग्राम मार्केटिंग, तो लोग उसके पास जा रहे हैं। तो अब ये इंडस्ट्री चेंज हो रही है एक्सपर्टाइज के ऊपर। एक्सपर्टाइज बोले तो क्या, तो मैं एक चीज में एक्सपर्ट हूं। जैसे मैं बोलूंगा कि आई एम अ लीड जनरेशन स्पेशलिस्ट, है ना, वो मैं हूँ ही, मैं क्वालिटी लीड्स बनाता ही हूँ। मैं आपको वो मीन्स उसको प्रूफ भी करके बता सकता हूँ कि क्वालिटी लीड्स किस तरीके से बनाए जाते हैं, किस तरीके से जनरेट किए जाते हैं, फिर उसको क्वालिफाई कैसे करना होता है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे चैनल्स उसमें। तो आपको सबसे पहले समझना होगा कोर्स किसी भी कोर्स को बेचने के लिए, सेल्फ एनालिसिस, मार्केट एनालिसिस, देन डेमो। एक डेमो लॉन्च कर दो, फ्री में दे दो। अगर उनको पसंद आ रहा है तो उनको एक छोटे कोर्स में बुलाओ, 399, 200 रुपए, 100 रुपए, 50 रुपए आएंगे क्योंकि आप कुछ वैल्यू दे रहे हैं। क्योंकि जब फिलिप कोटलर ने भी मार्केटिंग की डेफिनेशन दी थी, तो उन्होंने यही सजेस्ट किया था, उनके पूरे डेफिनेशन में यही मेन कोर बताया था कि आप जितना वैल्यू देते हो लोग उस वैल्यू के ही आपको पे बैक देते हैं। जैसे कर्मा, कर्मा क्या होता है, आप जितना दोगे तो वापस मिलेगा। सो पहले आप ध्यान दो कि आप कितना दे रहे हो, फिर उसके बाद आपको रिटर्न आएगा ही आएगा। अगर आपको आपके कोर्स में सच में दम है ना, वो बिकेगा ही अगर आप अच्छी तरीके से वैल्यू दे रहे हो। तो फोकस ऑन वैल्यू रादर देन ओनली ऑन सेलिंग। अभी क्या हो रहा है ना, लोगों को ऐसा लग रहा है कि कोर्स तो बिक रहा है, तो मैं भी कोर्स बनाता हूँ, बेचता हूँ, तो क्या हो गया, कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा बढ़ गया। जैसे टमाटर तो बिक रहे, तो मैं भी टमाटर का ठेला लगा देता हूँ और बेचता हूँ, लेकिन मार्जिन, फिर वो, फिर सेल, फिर ये बहुत सारी चीज आ जाती है। तो फोकस कीजिए कि आप वैल्यू कितना दे रहे हैं, और उसके ऊपर फिर आप इनकैश कर सकते हैं अपने कोर्स को बेचकर। यस, थैंक्स। एक और क्वेश्चन जो अभी मैं पूछना चाहती हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्लेटफॉर्म है, उसमें कई चीजें एक साथ हैंडल करनी पड़ती है। तो जब यही प्रॉब्लम आपके स्टूडेंट के साथ आती है, तो आप उन्हें किस तरह से गाइड करते हैं, कैसे सॉल्व करें कि एक साथ सारी चीजों को कैसे हम हैंडल करें, हमारे दर्शकों को बताइए। सो डिजिटल मार्केटिंग एक प्लेटफॉर्म नहीं है मैडम, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेटफॉर्म्स। डिजिटल मार्केटिंग एक मेथड है। अब इसका बहुत सारे वर्ड है, इंटरनेट मार्केटिंग है ना, ऑनलाइन मार्केटिंग, तो ये एक अम्ब्रेला टर्म है। उसके अंदर बहुत सारी चीज है। अब डिजिटल और मार्केटिंग को सेपरेट कर दो तो क्या होगा, डिजिटल यानी इंटरनेट, मार्केटिंग यानी प्रमोशन। सो जो भी टूल, जो भी वेबसाइट आपको हेल्प करती है आपके प्रमोशन के लिए, वो डिजिटल मार्केटिंग होगी। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग वैसे तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इसके ऊपर भी मैंने यूट्यूब में वीडियो बनाए हैं, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं डिजिटल मैग्नेट के चैनल में।
मैंने उसमें बताया था इट इज कंप्लीट एडवर्टाइजिंग प्रोसेस, पहले ऐड करो फिर उसको ड्राइव करना पड़ता है, बहुत सारे फनल्स होते हैं, उसके बाद फिर से एनालिसिस करके फिर से ऐड करना होता है। तो जब आती है बात प्लेटफॉर्म कौन सा चूज करें, है ना, और सही तरीका क्या होना चाहिए, तो वही आपको देखना होगा कि आपका प्रोडक्ट, पहले सेल्फ एनालिसिस, फिर मार्केट एनालिसिस के ऊपर आपको ये देखना होगा कि जैसे लिंक्डइन है, तो लिंक्डइन को ऐसा समझो ये ऑफिस, ऑफिस है तो ऑफिस के जैसा रिलेशनशिप रहना होगा, प्रोफेशनल, जहां पे हम एचआर से मिल रहे हैं, जहां पे हम कॉलिग से मिल रहे हैं बहुत सारे, फिर उनसे हम प्रोफेशनल वाली बात कर रहे हैं, बी टू बी सेल कर रहे हैं, तो लिंक्डइन इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। देन अगर आप इंस्टाग्राम में जा रहे हो तो वहां पे यूथ है, इंटरटेनमेंट चाहिए, हाँ जैसे वो गाना है ना बादल बरसा, सो फेमस क्यों हो रही है, क्योंकि वो इंटरटेनमेंट है। जब आप इंस्टाग्राम को इंटरटेनमेंट के हिसाब से देखोगे तो आपको ज्यादा मिलेगा, इंटरटेनमेंट एंड एजुकेशन, तो इंटरटेनमेंट अगर ज्यादा है तो वायरल हो जाओगे, तो वहां पे बी टू सी बहुत जल्दी हिट होगा, बी टू सी। अब वही फेसबुक को बोलोगे तो फेसबुक में थोड़ा सा भी क्या हुआ है ना, क्राउड जो है मतलब पॉपुलेशन जो है फेसबुक से ड्राइव हो रहा है इंस्टाग्राम में, तो इसीलिए इंस्टाग्राम को खरीद लिया ना फेसबुक ने, और व्हाट्सएप में ड्राइव हो रहा था तो व्हाट्सएप को भी खरीद लिया, बट व्हाट्सएप एक अलग चीज है, मतलब वो चैटबॉट है, अब वो सोशल मीडिया नहीं है, तो आपको ये देखना होगा। फिर ट्विटर क्या है, ट्विटर इंटरटेनमेंट है प्लस पॉलिटिकल ज्यादा यूज होता है, तो वहां पे आप बी टू बी नहीं कर सकते, बी टू सी कर सकते हैं, वो भी हाई लेवल पे। जैसे अगर आपने देखा होगा ऑडी, ऑडी जो कार होती है उसका सेल आप यूट्यूब में नहीं देखोगे, ना ही आप फेसबुक में देखोगे, ना ही आप इंस्टाग्राम में देखोगे, लेकिन आपको ऑडी का एड ट्विटर में जरूर मिलेगा, क्योंकि वहां पे अमीर लोग बैठे हैं, जितने भी मंत्री लोग हैं वो सब वहीं पे बैठे हैं, तो उनके पास अच्छा अच्छा फंड है तो वो ले सकते हैं, इसीलिए वहां पे ज्यादा पिच हो रहा है। तो हाई लेवल का जो प्रोडक्ट होता है वो ट्विटर में हो रहा है, तो इस तरीके से आपको एनालाइज करना होगा कि कौन सी जगह पे हमारा टारगेट ऑडियंस बैठा है, उस तरीके से आपको उसे पिच करना होगा। फिर से मैं आपको भी बोलूंगा, डेमो लो, देखो इंटरनल एनालिसिस, मार्केट एनालिसिस, देन डेमो, जब आप ये करोगे तो आपको अच्छा एक रिजल्ट मिल सकता है। सो सर हमारा लास्ट क्वेश्चन कि हमारे जितने भी दर्शक आपको देख रहे हैं तो शायद उनमें से कोई हो सकता है कि जो डिजिटल मार्केटिंग में अपना करियर स्टार्ट करना चाहता है, तो आप अपने तरफ से उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे? अगर आपको करियर स्टार्ट करना है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि दो तरीके हैं अमीर बनने के, एक है मार्केटिंग और एक है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बनाओ और बेचो, तो प्रोडक्ट बनाना अगर आपको आता है तो वेल एंड गुड है, लेकिन नहीं आता तो क्या करेंगे, मार्केटिंग। सिर्फ दो ऐसे इंडस्ट्री है जैसे गवर्नमेंट और मेडिकल, इसको छोड़ दो तो एक सुई से लेके एरोप्लेन तक का बिकता है मैडम, सुई से लेके एरोप्लेन तक का बिकता है, तो बिकता है तो मार्केटर्स की जरूरत पड़ेगी। मार्केटर्स आज कितने हैं, बहुत सारे हैं, अभी डोर टू डोर जाके थोड़ी ना मार्केटिंग की जाती है, आपके मोबाइल में ही ऐड आ जाता है। अब सोचो वो ऐड बनाने के लिए कोई व्यक्ति होगा ना बैठा, इतना पॉपुलेशन है, इतने बिजनेसेस है, डिजिटल इंडिया का रिवॉल्यूशन शुरू है। यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट ये फोकस कर रही है कि एंटरप्रेन्योर्स बनाए जाए, एंटरप्रेन्योर्स बनाए जाए, तो एंटरप्रेन्योर्स बनेंगे तो उसमें से ऐसे कितने ही लोग होंगे जिनको पूरा डिजिटल मार्केटिंग आएगा, तो डिजिटल मार्केटिंग का जो स्कोप है, फ्यूचर है, वो आने वाले वक्त में बहुत तेजी से बढ़ने वाला है, क्योंकि AI भी आ गया है। तो डिजिटल मार्केटिंग पढ़ो, जनरेटिव AI पढ़ो, AI को समझो, नहीं समझ रहा है कोई बात नहीं है, पहले डिजिटल मार्केटिंग को समझ लो, स्टेप बाय स्टेप लो, और उसके बाद अपना करियर बनाओ, और यहाँ पे किसी एक चीज को पकड़ के एक्सपर्ट बन जाओ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा वीडियो, अभी ये वीडियो है, अब वीडियो को एडिट करने के लिए मैं खुद थोड़ी ना बैठ सकता हूँ, जैसे मेरे वीडियोस है इंस्टाग्राम में, अब मैंने इनिशियल डेज में जब फंडिंग कम थी तो मैंने खुद एडिट किया, लेकिन मुझे आके कुछ लोगों ने रीच किया कि सर हम आपका एडिट कर सकते हैं वीडियो, तो मैंने उन्हें बताया कि ऐसा ऐसा करो, ऐसा ऐसा करो, मुझे अच्छा लगा तो मैंने उनको हायर कर लिया। सो जब एक प्रोडक्ट बनता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट बनता है, तो बनाने वाला अलग होगा, बेचने वाला अलग होगा, और इसको बेचना है तो वीडियो बनाने वाला अलग होगा, जैसे कैमरामैन अलग होगा, तो किसी एक चीज पे माहिर हो जाओ। बहुत सारी चीज है डिजिटल मार्केटिंग में, कॉन्टेंट टेक्स्ट बनाने वाले अलग रहते हैं, जैसे ब्लॉग्स हो गया, राइटिंग हो गया, अगर आपका राइटिंग में अच्छा स्किल है ब्लॉग क्रिएशन में भिड़ जाओ, आपको अच्छा करियर मिलेगा, वहां पे अच्छे अच्छे पैसे मिलेंगे। एक वेबसाइट है fiverr.com, उसमें जाइए आपको पता चल जाएगा कि कितने कितने लेवल पे कितने कितने डिजिटल मार्केटिंग के रोल्स है,
जैसे फेसबुक एक्सपर्ट बन जाओ जी। तो फेसबुक एक्सपर्ट वाले को यहाँ पे हायर किया जाता है, गूगल एक्सपर्ट बन जाओ, ऐसे बहुत सारे एक्सपर्टाइज लेवल पे आप काम कर सकते हैं और आपके रोल को डिफाइन कर सकते हैं, और उस रोल को डिफाइन करने के बाद आपको वो लोग ढूंढेंगे और आपको एक्सपर्ट लेवल पे, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक नुक्कड़ पे एक दवाखाना है, इमेजिन करो एक नुक्कड़ पे दवाखाना है, उसका कॉस्ट और जो सर्जन है उसका कॉस्ट, हम सर्जन के पास क्यों जा रहे हैं, क्योंकि उसका एक्सपर्टाइज है। तो जिस किसी चीज में अगर आप एक्सपर्ट बन जाते हैं, ऐसा मत सोचो कि पूरे डिजिटल मार्केटिंग आपको सीखना है, ऐसा सोचो ही मत, ऐसा सोचो कि थोड़ा और भी ले लो डिजिटल मार्केटिंग का क्या होता है और एक चीज में फोकस कर लो। जैसे आप वीडियो एडिटिंग में कर सकते हो, आज वीडियो एडिटिंग की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, उसी तरीके से जैसे फेसबुक में लीड जनरेशन जैसे मैं पढ़ाता हूँ, तो लीड जनरेशन की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। कोई रियल एस्टेट अगर एजेंट है उसको लीड जनरेशन करना नहीं आता है, तो हम उसके लिए लीड जनरेशन कर सकते हैं, उसको लीड्स प्रोवाइड कर सकते हैं, वो अपना आगे का काम करेगा, आप अपना काम करो वो अपना काम करेगा, बीच में कमीशन कमाओ ऐसा भी कर सकते हैं। यस, थैंक यू सो मच सर, आपने अपना एक्सपीरियंस इतना शेयर किया मुझे, हमारे दर्शकों को बहुत कुछ सीखने को मिला डिजिटल मार्केटिंग में। सो अगेन थैंक यू, और आपने इतना टाइम निकाल कर हमें दिया। थैंक यू सो मच, आपने मुझे यहाँ बुलाया। और लास्ट में बस एक कोट में बताना चाहूंगा, दोस्तों आज मैंने आपको दिशा दिखाई है, नजर को बदलोगे नजारे बदल जाएंगे, सोच को बदलोगे सितारे बदल जाएंगे, सिर्फ कश्तियों को बदलने की जरूरत नहीं, दिशा को बदलोगे तो किनारे खुद ब खुद बदल जाएंगे। थैंक यू सो मच, दिस इज शशांक महतो एंड प्रियांशी साइनिंग आउट। सो बरहाल इसी तरह की गेस्ट इंटरव्यू शो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए हिंदी से न्यूज़।